नाम कनु पाराशर है, मैं राजस्थान की हूँ। पढ़ाई में मैं मास्टर्स इन इंजीनियरिंग कर रही हूँ। इसके अलावा अगर मॉडलिंग की बात करें तो मैं मिस राजस्थान 2016 रह चुकी हूँ, मिस नॉर्थ इंडिया 2016 रह चुकी हूँ, इजिप्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ मिस मर्मेड इंटरनेशनल 2017 में, बेस्ट टैलेंट का टाइटल ला चुकी हूँ। 2018 में मिस कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड का टाइटल लेके मलेशिया में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और टॉप 5 का टाइटल लिया है। इसके अलावा आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है मुंबई कास्टिंग एजेंसी के लिए, मुंबई कास्टिंग एजेंसी के द्वारा, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आप सबके क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से कर पाऊँ। थैंक यू मैडम। हाय, आई एम मीना डीरॉक। मैं मुंबई की लड़की हूँ, बट मैं कुछ साल पहले USA गई थी एंड वहाँ मुझे मौका मिला रैविशिंग वुमेन मिस इंडिया सिएटल का हिस्सा बनने का एंड आई वन दैट टाइटल। एंड मुझे बहुत खुशी है कि आज बहुत सालों के बाद मैं वापस मुंबई आई हूँ एंड आई फील वेरी प्राउड कि मैंने मुंबई का नाम रोशन किया USA जाके। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट गोविंद सोलंकी फ्रॉम मुंबई कास्टिंग एजेंसी हैज़ गिवन दिस अपॉर्चुनिटी सो दैट मैं आज आप सब लोगों के साथ मिल पाऊँ एंड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको थोड़ा मेरे बारे में और बता पाऊँ। कनु, मुंबई कास्टिंग एजेंसी से कोई आपका टाई अप हुआ है, उसके बारे में थोड़ी कोई जानकारी देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई कास्टिंग एजेंसी के गोविंद सोलंकी जी के इवेंट्स में मैं अपनी प्रस्तुति करती रहती हूँ। आज भी जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुंबई कास्टिंग एजेंसी के द्वारा आप लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई उसमें मैं आई हूँ। उसके अलावा ब्राइडल एशिया मैगजीन है जिसके लिए मैं शूट कर रही हूँ मुंबई कास्टिंग एजेंसी के। इसके अलावा काफ़ी उनके इवेंट्स में मैं एज अ चीफ गेस्ट एज अ जज बन के आ चुकी हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी कि आई एम अ पार्ट ऑफ मुंबई कास्टिंग एजेंसी। गोविंद सोलंकी जी से मैं यू नो 6 महीने पहले ही मेरी बातचीत शुरू हुई बिकॉज आई एम फ्रॉम USA एंड मैं बहुत सालों से मुंबई नहीं आई थी और उनके बारे में मैंने काफ़ी जाना एंड ही गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू अ लॉट ऑफ मॉडल्स। सो आई वुड हाईली रिकमेंड वर्किंग विद मुंबई कास्टिंग एजेंसी एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अब USA से बहुत और ज़्यादा काम करूँ मुंबई कास्टिंग एजेंसी के साथ। करूँ कैसे इंजीनियरिंग से आपने मॉडलिंग को चुना, कैसे चुना, क्यों चुना, क्या कुछ डिफिकल्ट है, चैलेंज है इस फील्ड में, क्या कुछ कहना? एक्चुअली चैलेंजेस सारे फील्ड में हैं एंड चॉइस मैंने कभी भी नहीं ली बिकॉज मैंने हमेशा ये देखा है कि हमें लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस करके रखना चाहिए। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ड्रीम्स, हमारे पैशन, हमारे हॉबीज़ क्या हैं। और जैसा आपके सामने मैं हूँ एक एग्जांपल कि मैं अपना एजुकेशनल करियर इंजीनियरिंग में वो परस्यू कर रही हूँ और साथ ही साथ मॉडलिंग जो कि मेरा पैशन है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक बैलेंस चाहिए आपके लाइफ में जिसमें आप पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस के साथ दोनों चीज़ों को साथ में कर पाएँ। मीनल, आप कैसे देखती हैं एजुकेशन और मॉडलिंग, कैसा सफर, कैसा रहा, डिफिकल्ट है, आसान है, क्या कुछ करना चाहिए? तो एक्चुअली मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत आगे थी। मेरे पिता बड़े हो के अब कम नहीं सो बचपन से मैं पढ़ाई में आगे थी और बड़ी होके भी मैं पढ़ाई में हमेशा रैंकर ही रही हूँ। लेकिन कहा ना कहा, जैसे कनु ने कहा, एक मॉडलिंग का पैशन मेरे अंदर भी था, मिस इंडिया बनने का ख्वाब मेरे अंदर भी था, पर मुझे ये पता था कि मुझे अपने आप को कॉर्पोरेट लाइफ में रखना है और मैंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया जो है वीकेंड मॉडल, जिसको मैं कहती हूँ कि आप पढ़ाई करो पूरी और आप आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मंडे टू फ्राइडे काम करो, लेकिन सैटरडे संडे आप मॉडलिंग एज अ पैशन यूज़ करो, उसे हॉबी एज अ हॉबी डेवलप करो एंड इफ़ यू फाइंड सक्सेस, यानी अगर आपको ज़्यादा सक्सेस मिले उसमें तो फिर आप मूव ऑन कर सकते हो। आई एक्चुअली लाइक बींग अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सो मैं अभी तक वैसे ही रख रही हूँ उसे, मंडे टू फ्राइडे आई गो यू नो इन USA आई वर्क एंड सैटरडे संडे जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं मॉडलिंग पे उतर आती हूँ। कानू, इतने आपने इवेंट किए हैं, इतने लोगों को प्रमोट किया है, इतने अवार्ड लिए हैं, तो अभी और कुछ ख्वाहिश रह गई है कि और कुछ करना भी? और ख्वाहिशें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, ख्वाहिशें तो जितनी करो उतनी कम है, तो हाँ ख्वाहिशें तो भी हैं कि और ज़्यादा अच्छे काम करती जाऊँ और सक्सेस पाती जाऊँ। कुछ ऐसी ख्वाहिश जो मतलब बताना चाहोगे? ऐसी कोई पर्टिकुलर ख्वाहिश नहीं है, बस यही है कि जो भी करूं बहुत अच्छे से करूं, एक्सेल करूं, भले ही पढ़ाई हो, एजुकेशनल करियर हो या मॉडलिंग हो, जो भी करूं अपना बेस्ट दूं और
एक सही रास्ते पे चलते हुए करूँ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडलिंग में, कि आप अपने एक सही बात को फॉलो करते हुए सक्सेस पाओ, दैट इज रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जब हमें हमारे नाम के बजाय इंडिया से पुकारा जाता था। जब इंटरनेशनल लेवल पे आप रिप्रेजेंट करते हो तो कोई आपका नाम नहीं जानता कि कनू है या क्या है। मुझे जब भी कॉल किया जाता था इंडिया नाम से कॉल किया जाता था, और जब मैंने इंडिया को बेस्ट टैलेंट का टाइटल दिलाया वहाँ पे, या मैं टॉप 5 में रही या रनर अप रही किसी इंटरनेशनल पैजेंट में, तो वो बहुत प्राउड फीलिंग थी, बिकॉज सिर्फ मेरा नाम वहाँ पे बड़ा नहीं हो रहा था, इंडिया का नाम बड़ा हो रहा था। और जब आप एक इंटरनेशनल पैजेंट में कोई टाइटल विन करते हो तो इंडियन फ्लैग ऊपर जाता है बाकी सारे फ्लैग्स के कंपैरिजन में, तो वो फीलिंग शायद बताई नहीं जा सकती, इट्स रियली वेरी प्रेशियस। मिनल, आपका भी यही कुछ रहा है कहानी, आपने भी यूएस देश को प्रेजेंट किया है, कैसा उस समय कैसा फील हो रहा था जब आप देश को रिप्रेजेंट कर रही थी यूएस में? काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि इंडिया को रिकग्नाइज़ करना यूएसए में, और एक मुकाम ऐसे विजिबिलिटी दिखाना कि इंडिया भी कुछ है, वो बहुत प्राउड फीलिंग होती है। एंड प्लस आई थिंक मुझे यूथ को मोटिवेट करना बहुत पसंद है, तो मुझे ये बचपन में मैंने स्कूल में बहुत बुलिंग देखी थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में ज़्यादा रहती थी और फैशन में नहीं रहती थी, तो बहुत बुलिंग होता था मेरे साथ। तो मैं चाहती थी कि यंगस्टर्स को मैं मोटिवेट करूं कि अगर आपके साथ स्कूल में किसी ने बुलिंग किया है, पर आप अपने आप को फिर भी प्रूव कर सकते हो, आप अपने आप को फैशनेबल बना सकते हो, आप आपकी पर्सनैलिटी ऑलराउंडर कर सकते हो। तो मैं यूएसए के जितने भी इंडियंस हैं उनके सामने ये एग्जाम्पल रखना चाहती थी, और प्लस अपने इंडिया में जो मेरे सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स हैं उनके सामने ये मोटिवेशन देना चाहती थी कि आप कहीं भी हो देश, कोई भी कंट्री में हो, यू कैन मेक इंडिया प्राउड एंड यू कैन बिकम समथिंग नो मैटर व्हाट यू हैव व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल यू हैव गॉन विद। ओके, कनु अब कहाँ देखना चाहती हैं आप, बॉलीवुड में किस क्या है, कुछ ऑफर्स आए हुए हैं, करने वाली है एंट्री, क्या कुछ है, बॉलीवुड की तैयारी किस प्रकार चल रही है? बॉलीवुड की तैयारी अभी एज सच कुछ भी नहीं है, अभी एज सच मैं अपने एजुकेशन करियर पे फोकस कर रही हूँ। HCL टेक्नोलॉजीज के साथ मेरी इंटर्नशिप चल रही है, तो मैं उस फील्ड में भी अपना करियर सेटअप करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बॉलीवुड में मेरा आना होगा या नहीं आपको कुछ टाइम बाद पता पड़ेगा। कुछ ऑफर्स आए होंगे आपको? हाँ जी, वो तो आते ही हैं, बट लाइक द बेस्ट थिंग इज कि आप एक परफेक्ट स्क्रिप्ट, एक परफेक्ट प्रोड्यूसर जिसको आप चूज कर सकते हो, जो आपके लिए सही है और आप जिसके लिए सही हो, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, मतलब सही समय का इंतजार। हाँ जी बिल्कुल। मीनल, आपका क्या कुछ चल रहा है, बॉलीवुड में आने की तैयारी चल रही है? तो एक्चुअली मैं जो लोकेशन पे हूँ वो काफ़ी परफेक्ट है, सियाटल वेरी क्लोज टू एलए हॉलीवुड एंड वैंकूवर। सो मैंने सोचा था कि मैं अब यूएसए आ गई हूँ तो शायद मैं हॉलीवुड और वैंकूवर फिल्म इंडस्ट्री ट्राई करूँगी, बट कुछ ऑफर्स थे जो मैं मुंबई में ऑलरेडी मैं मॉडलिंग कर चुकी हूँ, तो कुछ म्यूजिक वीडियोज़ में कर चुकी हूँ, और यूएसए में शॉर्ट फिल्म कर चुकी हूँ। बॉलीवुड ऑब्वियसली आई लव, सो मे बी डाउन द लाइन एट सम पॉइंट मैं शायद बॉलीवुड में एंट्री करना चाहूँ, बट फिलहाल आई थिंक आई एम वेरी सेटल इन माई कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो अगर कोई मौका मिलता है सैटरडे संडे वीकेंड मॉडल लेने का, तो आई वुड डेफिनेटली साइन आउट। लास्ट क्वेश्चन है मैम कि ये मुंबई कास्टिंग एजेंसी कुछ कहना चाहेंगे? आई ने ओपन किया वो हो गया, काफी आई डी सुन करके खुश हूं। हां, वो एक कैंपेन जो मैं रन कर रही थी, नो तो हट। हां हां हां, मैंने बताया आप, एक सेकंड आप कट कर दो, चलो वापस शुरू करते हैं। आप चला रही हैं जो हाइट कम हाइट के लोगों को इस फील्ड में आने से रोका जाता है, या जैसे कहें कि भाई उनको साइड कर दिया जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए आपने अवेयरनेस कैंपेन चला रही हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उस विषय को लेके? तो मैंने कैंपेन शुरू किया है, इट्स हैशटैग से नो टू हाइटिज्म, एंड मैं चाहती हूँ दुनिया के जितने भी लोग हैं वो इस कैंपेन को ज्वाइन करें। ये कैंपेन मैंने शुरू किया था 2012 में, जब मैं कॉलेज में थी और जब मैं ऑडिशन देती थी फिल्म इंडस्ट्री फैशन शोज़ के लिए, तब काफ़ी जगहों पे देखती थी कि आप ऑडिशन से कट आउट हो जाते हो, क्योंकि अगर आपकी हाइट 5'5", 5'6" के नीचे है तो आपको मौका भी नहीं मिलता है टैलेंट दिखाने का। पर आज हम 2019 में हैं और आज तक मैं देख रही हूँ कि फैशन वर्ल्ड में जहाँ रनवे की बात आती है, छोटी मॉडल्स को नहीं लिया जाता है। आई एम फॉर्चुनेट कि मैं यूएसए में हूँ तो मुझे काफ़ी फिर भी मौका मिल जाता है, बट मेरा ये क्वेश्चन है डिज़ाइनर्स को लेकर कि जब वो सेल करते हैं कपड़े, तो हम जैसे लोगों के लिए भी सेल करते हैं, प्लस साइज का ऑलरेडी फैशन शोज होने लगा है, फिर भी
लेकिन हाइटिज्म दे स्टिल हैव अ हाइट क्राइटेरिया फॉर रनवे मॉडल. तो मुझे और ये मुझे लगता है कि वर्ल्ड मिस यूनिवर्स पैजेंट के लेवल पे भी ये यू नो एक एग्जांपल सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके फॉर्म पे भी हाइट का क्राइटेरिया है. तो काफ़ी लड़कियां हैं जो लड़के और लड़कियां जो सुंदर हैं जिनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है और वो 5'1" 5'2" हो या यू नो कोई भी हाइट के हो, उन्हें मौका मिलना चाहिए ऑडिशन देने का एंड आगे बढ़ने का. एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि फिल्म इंडस्ट्री में अब न्यू कमर्स को एक्सेप्ट करने लगे हैं और वहाँ हाइट का इतना अब हाइटिज्म नहीं हो रहा है. बट आई थिंक दिस इज मोर फॉर द फैशन वर्ल्ड. ओके मीनल, किस प्रकार का लोगों का रिस्पांस मिल रहा है आपको इस अवेयरनेस को लेके? जब आपने छेड़ा था, मुहिम छेड़ा था, तो कैसे रिएक्शन मिल रहा है, लोगों का रिस्पांस कैसे आ रहा है? काफ़ी अच्छा था. पहली बार जब मैंने #say no to heightism सोशल मीडिया पे डाला था तो एक दिन में 9,346 लाइक्स आए. तब मुझे लगा एंड लोग पूछ भी रहे थे व्हाट इज हाइटिज्म, कभी ये नाम नहीं सुना. तब मुझे मैंने जब लोगों से बात करना शुरू किया, लोगों ने स्टोरी शेयर करनी शुरू की अपनी कि सब ने ये फेस किया है. काफ़ी लोगों ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी फेस किया, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री में भी ये काफ़ी बार होता था कि हाइटेड लड़कियों को लेते थे. कुछ लोगों ने वेडिंग की स्टोरीज बताई कि यू नो जब लड़के वाले देखते हैं तो वो लड़कियाँ जो बहुत छोटी है तो उनका रिश्ता नहीं होता. तो आई नोटिस कि खाली फैशन वर्ल्ड में नहीं है, ज़्यादा शायद फैशन वर्ल्ड में विजिबल है, पर काफ़ी और जगहों पर भी ये प्रॉब्लम है. एंड आई एम श्योर कनू विल ऑल्सो अग्री बिकॉज यू नो वी वर जस्ट डिस्कसिंग इसके पहले, इंटरव्यू के पहले, एंड शी अग्रीज द फैक्ट कि हाइटिज्म एग्जिस्ट इन दिस इंडस्ट्री. सो आई वुड लव फॉर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड टू जॉइन दिस कैंपेन. आई एम श्योर कनू इज गोना बी अ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन सून. सो आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं मुंबई में ये अवेयरनेस यू नो ज़्यादा क्रिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ए लिस्ट फैशन डिज़ाइनर्स हैं. मैं चाहती हूँ उनको रिक्वेस्ट करना कि आप छोटी हाइट की लड़कियों को भी मौका दो, क्योंकि आपके टारगेट कस्टमर हर टाइप की यू नो हाइट में फॉल करते हैं. एंड शायद अगर मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स के पैजेंट के लोग ये सुन रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो ये फॉर्म से ये क्राइटीरिया हटा दें और हर टाइप के लड़के लड़कियों जो भी हाइट हो उनकी, जो भी बॉडी टाइप साइज हो, उनको ऑडिशन देने दो और उनको भी इस पैजेंट यू नो इंडस्ट्री में एंटर करने दो. ओके कनू, यू वांट टू ऐड समथिंग दिस? या मैं टोटली अग्री करती हूँ उनके हाइटिज्म वाले फैक्ट पे, बिकॉज कोई भी परफेक्ट नहीं होता है लाइफ में. कहीं ना कहीं किसी ना किसी में कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं. सिर्फ हाइट को एक क्राइटेरिया बना रखा है कि अगर हाइट थोड़ी कम है तो लाइक दे आर नॉट परफेक्ट टू बी अ मॉडल. इट्स नॉट करेक्ट. लाइक दे ऑल शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी. अगर वो सुंदर हैं, अगर वो टैलेंटेड हैं, अगर उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, सो दे शुड बी गिवन एन इक्वल चांस. थैंक यू. India, Seattle, Ravishing Women 2016, and I'm very happy to be a part of this press conference. Thank you all of the media people for spending time with us and knowing us a little more, and hum dono ke saath baatcheet karne ke liye. Thank you. Thank you to all the media for supporting us and asking us questions and know more about us. Thank you so much. सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका परिचय जानना चाहेंगे, और मुंबई कास्टिंग एजेंसी किस प्रकार से काम करती है, कैसे लोगों को प्रमोट करती है और कितने चैलेंजेस आते हैं, और क्या कुछ अभी फिलहाल चल रहा है? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया, क्या इशू था? अच्छा, मेरा नाम गोविंद सोलंकी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ. और मेरी जो कंपनी है मुंबई कास्टिंग एजेंसी, ये कास्टिंग का एक प्राइमरी वर्क करती है, जो कि अपकमिंग मॉडल्स होते हैं, स्ट्रगल मॉडल होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देती है ऑडिशंस के जरिए, या जो भी उनका टैलेंट होता है वो हम प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करते हैं. अब तक लगभग मैंने 3,500 से ज़्यादा 3,500 से ज़्यादा लोगों को मुंबई में साउथ इंडस्ट्री में उनको जॉब प्लेसमेंट दिलाया, और लगभग 14 मूवी की कास्टिंग मैंने की हुई है. लास्ट मूवी हाउसफुल 4 थी, और अभी एक मूवी का और चल रहा है मेरा, शूट चालू है उसका, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ एग्रीमेंट्स की वजह से अभी तक उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ. बाकी मेन जो मेरा मोटो यही है कि जो लड़के लड़कियाँ हैं जो सपना सोचते हैं कि भाई हम किसी ना किसी दिन अपने सपने को पूरा करें, मुंबई में जाके गलत हाथों में ना पड़े, किसी कास्टिंग काउच जैसे गंदे शिकार ना हो जाए, तो उनको हम बिना किसी लालच के या बिना किसी फीस के उनको प्रमोशन देते हैं, और जो भी उनके टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको प्लेसमेंट. ओके, मुंबई कास्टिंग एजेंसी मतलब विदाउट फीस ये सेवा दे रहा है? एक जो प्राइमरी
रजिस्ट्रेशन या फीस वगैरह होती है वो नहीं मैं कभी लेता, जैसे कि आजकल एक रजिस्ट्रेशन का ट्रेंड होता है वो कभी नहीं लिया मैंने किसी से आज तक भी, 4 साल हो गए मेरे को। अभी 3 ब्रांचेज है मेरे, दिल्ली में, करनाल में है और मुंबई में भी हमने चालू कर दिया है। तो इससे क्या होता है ना, जो जिनके पास में पैसों की शॉर्टेज है, फाइनेंशियली वो कैपेबल नहीं है, तो वो आगे नहीं आ पाते क्योंकि इसमें धोखा भी काफ़ी चलता है, पैसे ले लेते हैं, काम नहीं दिलाते, इस तरह के काफ़ी होते हैं। तो उन चीज़ों को वो हमारा काम नहीं होता है। हम क्या हम देखते हैं कि अगर कैंडिडेट में टैलेंट है, वो आगे जा रहा है और उसको काम मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पैसा पास शो हो जा रहा है। हाँ, ये मेरा फंड है। हमने बात की है तो इनमें आपने जैसे खुद भी रियलाइज किया होगा कि दे आर रियल ब्यूटीज। एक होता है कि सामने सामने से कि भाई सुनी सुनी आप जिसको देख लिया बाहर से खूबसूरत है, इनकी अंदर की खूबसूरती ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी, जो इनके जैसे इनके विचार है, जो जब जितना भी इन्होंने कुछ किया इनर ब्यूटी, हाँ जो इनर ब्यूटी है ना, जो जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो प्योर अचीवमेंट्स हैं, वो प्योर अचीवमेंट्स हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई फैब्रिक या कुछ भी नहीं है, कोई किसी भी गलत तरीके से चलते नहीं दिया गया। इसलिए ये चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है और मैं ऐसी लड़कियों के साथ में, ऐसी मॉडल्स के साथ में, ऐसी सेलिब्रिटी के साथ में बैठने में आज मेरे को खुद मैं कुछ कुछ ऐसा इन ऐसी ब्लेसिंग फील कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं रहता ऐसे। आज मैं खुद ये उनकी एक आज के दौर में ऐसी मॉडल्स काफी कम मिलती हैं। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मैं इनको खुद देखा है, ये मॉडल्स के मम्मी डैडी को भी इतना ख्याल रखते हैं, और क्योंकि मम्मी डैडी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आई एम हैप्पी कि मेरे भी पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, बट आप लाइक ही इज वेरी गुड। चलिए ठीक है, बस मैं मेरी प्रशंसा की, मैं जो मैंने नोटिस किया मैं बोल रहा हूँ, एक जनरल चीज बोल रहा हूँ। और एक प्योर जो होता है ना, जो वो जैसे घी प्योर होता है तो उसकी खुशबू पूरे घर में आ जाती है, ऐसे ही जब हमारे बीच में कुछ सेलिब्रिटी ऐसी होती है जो खुशबू, हाँ, तो उसमें फक्र प्राउड फील। अच्छा, नाम को लेके मुंबई कास्टिंग एजेंसी, आप रहते हो दिल्ली में काम करते हो, मुंबई नाम रखा हुआ है, क्यों ऐसा, इसके पीछे क्या कारण? देखो पीछे तो कारण नहीं है, लेकिन अभी मुंबई कास्टिंग एजेंसी का एक रीजन था। मैं मुंबई से आज पहली बार वाकिफ नहीं हूँ, 2009 से बराबर है, और जब मैं यहाँ पे पहली बार मुंबई में आया था तो मुंबई मेरे लिए एक सपना था, लेकिन फॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे मैंने नाम इसका रजिस्टर करा लिया तो आज मुंबई में हूँ। सही ना, तो इसका इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है? नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं, ये 4 साल से जब से मैं मतलब मुंबई से मुंबई आने के 6 साल बाद मैंने देसी घी के मार्फत काम करना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अपना आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच। हम तो जानते हैं आपको, लेकिन आप कभी परिचय जानना चाहेंगे, और मुंबई कास्टिंग एजेंसी का आपने सामने अटेंड किया जी, जी क्या कुछ विषय रहा और क्या कुछ कहना चाहेंगे मुंबई कास्टिंग एजेंसी और दो खूबसूरत इनर ब्यूटी मॉडल आपके बाजू में बैठे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाय, मैं हूँ अश्वनी कुमार एंड मुंबई कास्टिंग एजेंसी जो है गोविंद जी का, जिन्होंने मुझे भी बहुत हेल्प किया है। बिकॉज हेल्प ऐसे किया कि बिकॉज जो मेरा एज है, इस एज ग्रुप में मतलब एज ए डायरेक्टर बनना बहुत कठिन होता है, परिश्रम करना पड़ता है। इनको मैंने अपनी कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाए, अपना थॉट बताया, इन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे गाना डायरेक्ट करने के लिए बोला, और मैंने गाना डायरेक्ट किया, इनको भी बहुत पसंद आया। और एक गाने के कारण अभी तक मैं इनके साथ 7 गाने कर चुका हूँ, सॉन्ग्स कर चुका हूँ इनके साथ, मुंबई कास्टिंग एजेंसी के साथ। थैंक यू सो मच गोविंद जी। एंड इनके बारे में क्या बोलना, तभी से आप लोग सुन ही रहे हैं, तो एक्चुअली इनसे तो ज़्यादा हमारा परिचय नहीं है, बट कन्नू जी भी बहुत अच्छी हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं, और हम लोग साथ मिलकर बहुत अच्छा करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।